मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को फौरी तौर पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मौसूल हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फरसीन। मैं उम्मीद रखती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे भी अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। मैं आप सब लोगों के लिए हमेशा ढेर सारी दुआएं करती हूँ। और आज तो शबे बारात भी है, जुमातुल मुबारक भी है, तो बहुत मुकद्दस दिन है आज। और आज के दिन दोपहर से मैं इस व्लॉग का आगाज़ करने लगी हूँ। अभी मैंने नमाज ज़ोहर अदा की है और आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं की हैं। और चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से जो कुछ भी होगा मैं आप सब लोगों के साथ जो है वो शेयर करती रहूँगी। और आप सब लोग प्लीज़ इस नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। चले चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एक मरतबा फिर। और ये जी चिकन कढ़ाई है। चिकन कढ़ाई हमने बनाई थी मेरा ख़्याल से जुमे के रोज़ शायद बनाई थी, और तब का ही ये क्लिप है। और बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ही ज़्यादा लजीज थी। और आप सब लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया है मीडिया रिलेटेड, एंड मेरी रूटीन भी काफ़ी हेक्टिक हो चुकी है। और इसके साथ साथ मुझे अपना यूट्यूब भी हैंडल करना है। सो आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो रिजवान के काम, रिजवान साहब जहाँ पर जो है पेंट कर रहा था अपने बैट को, हालांकि ये बैट एक दिन पहले बिल्कुल न्यू लाया था, लेकिन मैं इसको कह रही थी क्यों पेंट कर रहे हो बैट को, तो कहता मुझे वो कलर नहीं पसंद, मुझे ब्लैक जो है वो पूरा बैट चाहिए। तो बच्चों की इसी तरह की हरकत, इसी तरह की बातें होती हैं और वो इसी तरह से करते हैं। सो ये इसको पेंटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो ये पेंट कर रहा था, मम्मा ने इसको साफ़ कह दिया था कि पेंट जाके बाहर करो, क्योंकि अगर रूम्स में करता है तो फिर ज़मीन पर लगा देता है, दीवारों पर लगा देता है। आप सब लोग तो जानते होंगे आई एम श्योर, जिन जिन के घर में भी बच्चे हैं वो इसी तरह करते हैं। सो ये अपना जो है वो बैट को पेंट कर रहा था, और इसने ये अपना बैट पेंट कर भी लिया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, ब्लैक ब्लैक बैट। और मैं इसको कह रही थी कि इतनी धूप है बाहर, इतनी गर्मी है और तुम लगे परे हो, सो इसको कुछ समझ नहीं आती, सिर्फ इसको जब खेलना हो। और ये जो है जिस दिन शबे बारात थी उसी दिन का क्लिप है। और उस दिन हमने बनाए थे दाल चावल। दाल चावल मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। जो लोग मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली जो है वो व्यू करते हैं, देखते हैं मेरी वीडियोज़ को, उनको पता ही होगा कि दाल चावल मेरी फेवरेट डिश है। और ये जो मैंने के लीलन से अपने घर के लिए बेडशीट ऑर्डर की थी, बहुत ही अच्छा के लीलन के रिव्यूज़ मैंने सुने थे। और काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, फेमस यूट्यूबर्स हैं जो के लीलन से शॉपिंग करती हैं, तो वाकई के लीलन की बेडशीट बहुत अच्छी थी। और अभी के फुल पैक्ड थी, सो मैंने इसे नहीं खोला। मैंने सोचा कि जब आप इसको बेड पे मैं जो है बिछाऊंगी तभी मैं आप सब लोगों को इसका जो ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। इसका कलर पर्पल था एंड इसकी कीमत डिलीवरी के साथ 2000 रुपये थी। बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस थी और बहुत अच्छा इनका फैब्रिक था और सब कुछ बहुत अच्छा था। सो ये ऑनेस्ट रिव्यू जो है मैंने आपके साथ के लीलन का शेयर किया है। और ये जो है दो सूट हमने मंगवाए थे बुनैनसा सतरंगी से। आप सब लोग जानते हैं गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तो रमज़ान भी बहुत ज़्यादा करीब है। सो हमने सोचा कि हमें शॉपिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि दर्जी भी आप सब लोगों को पता है कितना टाइम लेते हैं कपड़े स्टिच करने में, कपड़े लेने में, देने में। सो मैं एक मेरा है, एक मम्मा का है। ये जो जिंक कलर में सूट है ये मेरा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनके प्राइसेस आई थिंक 26,000 के करीब हैं, 2600 का ये सूट है। बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इनका जो है ना, पहले भी मैंने इनके काफ़ी ड्रेसेस पहने हैं, इनका जो मुझे फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है, इनका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, गर्मियों में वैसे लॉन के सूट ही पहने जाते हैं। और मैंने इस दफ़ा प्लान बनाया है, ये मम्मा का है, मैंने इस दफ़ा प्लान बनाया है कि मैं जो है ईद पर भी ज़्यादातर लॉन के सूट ही पहनूंगी, क्योंकि ईद पर दूसरे जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाले, कढ़ाई वाले, फैंसी ड्रेसेस नहीं पहने जाते, इतनी शदीद गर्मी है। अगर आप लोग सोचें अगर मार्च के शुरू में ये हाल है गर्मी का, तो जून जुलाई में, मई में क्या होगा। सो ये मम्मा का है, वाइट एंड पिंक का ये कॉम्बो है। और जब ये स्टिच होकर आ जाएंगे मैं आपको इनके फाइनल लुक तब दिखा दूँगी। और आप सब लोगों ने मेरे लिए दुआएँ करनी है ढेर सारी। आप सब लोग हमेशा खुश रहें, जहाँ रहें अल्लाह ताला आप सब लोगों की तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला तमाम लोगों के मामलात को इंशाल्लाह बेहतर करें, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएं। और मैंने आप सब लोगों को बताना था कि मैंने
शब बारात में आप सब लोगों के लिए स्पेशली बहुत सारी दुआएं की हैं। अल्लाह ताला इस रात के वास्ते हमारी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, हमारी तमाम मामलात को अल्लाह ताला बेहतर करे। और यहाँ पर जी मैं शब बारात थी तो मैं जो वो तस्बीह पढ़ रही थी और नमाज वगैरह मैंने अदा कर ली थी, नवाफिल पढ़ लिए थे। और ये कोई शो ऑफ नहीं है, वीडियो में सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि वीडियो में ज़ाहरा वॉइस ओवर करना है तो फिर आपको साथ साथ वो बताना भी पड़ेगा, वरना मैं बताना अच्छा नहीं समझती। मैं ये समझती हूँ कि नमाज और कुरान अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, किसी तीसरे को ये बताना ज़रूरी नहीं होता। सो मैंने आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ की हैं, हमेशा खुश रहें। आज है जी शब बारात, बहुत ही अफसल दिन, बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही फजीलत वाला दिन। आज के दिन हम सबको जो है वो दुआ, ये दुआ करनी चाहिए तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब में प्यार, मोहब्बत, अखुवत और यकजोई जो है वो शामिल करें। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे भर कर अल्लाह ताला तमाम लोगों के, बल्कि तमाम इंसानियत के सगीरे कबीरे गुनाह मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम पर अपनी खास रहमत फरमाए, अपना खास करम फरमाए। अल्लाह ताला आज के दिन के वास्ते तमाम बे औलाद चोरों को साहिब औलाद अता करे, तमाम लोगों की दिली हाजात को पूरा फरमाए, स्पेशली तमाम बीमारों को सेहत याबी अता फरमाए, जो हमारे मरहूमीन हैं, जो हमारे प्यारे हैं, जो हमें छोड़कर चले गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और हम सबको भी अल्लाह ताला हमारा खात्मा भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ईमान पर फरमाए और हम सब की आगे की मनासिल को अल्लाह पाक आसान फरमाए। आज का बहुत प्यारा रात है, बहुत ही अफसल रात है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रात है, जिस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो रब कभी हमें शब महराज देता है और कभी हमें शब बारात देता है अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए और ख़ुद को अल्लाह के सामने पेश करने के लिए। तो आप सब लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ये व्लॉग तो आपको तकरीबन संडे को मिलेगा, लेकिन आप सब लोग प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते रहें। अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए, आप सबकी तमाम तर मुश्किलात को मेरा रब आसान फरमाए। इलाहे आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।